सो हेलो गाइज, वेलकम टू अभिरा क्रिकेट एंड ब्लॉग्स। अभिरा क्रिकेट ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग उतना मतलब रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे कारण आ जा रहे हैं। फिर भी देखेंगे, रेगुलर करने की प्रयास करेंगे। चलिए, आज डेट है 25th अप्रैल और आज एक हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू होना, आज मेरा जर्नी है। हम लोग आज घर जा रहे हैं, तो आज ट्रेन का ब्लॉग होगा इसमें। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हेलो गाइस, हम लोग नहा वहा कर रेडी हैं। लगभग टाइम हो रहा है 12 12:30 पौने के करीब में, तो अभी हम लोग को निकलना है। थोड़ी देर में निकलेंगे, आधे घंटे में। अभी दिखाते हैं, सारा मैंने घर में पैक वैक कर दिया। ये देखिए, मैं सोफ़ा को चादर जितना ढका सकता था ढक दिया है, ताकि धूल काफ़ी हो जाता है। तो ये हुआ, बैग वगैरह पैक है। इस घर में भी लगभग सब जो पर्दे थे उसे सब कुछ ढकने का प्रयास किए हैं। बुक्स तो ऐसे ही रहेंगे और बाकी सब ठीक है, सब कुछ पैक है ऑलमोस्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग निकलने को तैयार हैं। पैकिंग वैकिंग हो गया है, अभी 1:30 बज रहे हैं और यहाँ से मेन स्विच पे, और हम लोग मेन स्विच काट रहे हैं। लाइट कट गया। सब डाउन हो गया, ये पता नहीं, ये काफ़ी इसको करने ज़रूरत नहीं पड़ता है, बाकी सब कट गए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाड़ी आ चुकी है। दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं। चलिए ताला लॉक करें। लिफ्ट के पास खड़े हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम लोग निकल चुके हैं, माइक ठीक काम कर रहा है, निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। मिलते हैं सीधे स्टेशन पे अब। थैंक यू। हेलो गाइस, हम लोग फाइनली स्टेशन पहुंच चुके हैं और अपने कोच के पास खड़े हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हालांकि ये हमारा ट्रेन नहीं है, हमारा ट्रेन अभी आने वाला है, इस वाले पटरी पर आएगी, इस वाले पे आएगी, तो दूसरी ट्रेन खड़ी है, आने का टाइम होगा। गाइस मिलते हैं सीधे ट्रेन में बैठ करके, अब आप मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, अभी हम लोग आए हैं कि हमारा ट्रेन अभी 40 मिनट के लिए डिले हो गया है, तो बस ये इन्फॉर्मेशन देना था। ये प्लेटफॉर्म पे कुछ इस तरह से है। इसलिए काफ़ी थकान हो गया, हमारा कोच पोजीशन कुछ इससे था, पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे हमारा, जहाँ पे हम लोग का लगा था H1 डिस्प्ले जहाँ हो रहा था, वहाँ पे वो डिस्प्ले ख़राब था, तो पता नहीं चला था कि हमारा डिस्प्ले कहाँ पे है। फाइनली काफ़ी भाग दौड़ के बाद हमारा डिस्प्ले जहाँ हो रहा तो पता चल गया, ऑनलाइन पता किए हैं वेबसाइट से। चलिए मिलते हैं सीधे ट्रेन में। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ फाइनली ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपको ट्रेन का लुक दिखा रहे हैं। ये है हमारा पैसेज है, यहाँ से यहाँ तक ये पैसेज गया है, और ये हमारा इसमें डी नंबर कूप है हमारा। थोड़ा साइड आ जाइए इधर। ये हमारा दो लोगों वाला बर्थ है, केवल दो लोग इसमें रहेंगे, और ये दरवाज़ा लॉक हो जाएगा इससे। चलो आ जाइए। तो देख रही है, सामने मैं हूँ और बस यहाँ हम दरवाज़ा लगा देते हैं। पर्दे भी लगा दे, और फुल्ली प्राइवेट केबिन हो गया, सॉरी कूप हो गया, फुल्ली प्राइवेट। यहाँ पर कोई और नहीं आया, कहीं दो आदमी का सीट है। यह सामने जो ट्रेन मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो अभी तक लगी हुई है, और ये थोड़ा थोड़ा लेट से ट्रेन आई है। 2:50 का इसका टाइमिंग था खुलने का। ट्रेन नंबर है 12558 12558 आनंद विहार मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस है, सप्त क्रांति। तो वही
अभी कोई आ गया था, नॉक किया था, यहाँ बेड रोल वगैरह सब जो देता है उन्होंने। तो हाँ, सुबह 2:50 का टाइमिंग था ये, और ये 3:50 पर खुलेगी, यानी कि टोटल 40 मिनट का डिले है इस ट्रेन का। सो ठीक है, देखते हैं। इस रूट में इकलौता सुपर फास्ट ट्रेन, सबसे बेस्ट ट्रेन यही माना जाता है सप्त क्रांति। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और दिखा दे, बेड, ये बेड शीट है, 2 बेड शीट दिया हुआ है यहाँ पे। ये कंबल है, ये तकिया, 2 कंबल 2 तकिया, और यहाँ 2 बेड शीट। तो सुविधा अच्छा है। ये ऑलमोस्ट फर्स्ट एसी में फ़्लाइट के बराबर किराया लग जाता है। तो हम लोग फ़्लाइट में एक्चुअली हम लोग को जहाँ जाना है तो वहाँ फ़्लाइट रहता तो फ़्लाइट से ही जाते, 1.5-2 घंटे में पहुँच जाते। बट हमारा फ़्लाइट बिहार में भी एक ही जगह ऑपरेट, 2-3 जगह ऑपरेट है, जिसमें गया है, पटना है और दरभंगा है। पर फ्रिक्वेंटली फ़्लाइट्स पटना के लिए ज़्यादा है। तो पटना जाएंगे तो वहाँ से मुझे 5 आवर्स का रोड बाई रोड जाना होगा मुझे अपने जो मेरा घर है। तो इससे अच्छा है कि ट्रेन से डायरेक्ट चलिए। फ़्लाइट में भी लगभग क्या कहें, उतना हरासमेंट कौन लेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे। सो फाइनली हमारा ट्रेन यहाँ से खुल चुका है, धीरे धीरे बढ़ते हुए। ये हमारा ट्रेन चल रहा है क्या होता है, ट्रेन तो चलता ही है सुरंग के अंदर जाते हुए, और इस सुरंग के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। सुरंग नहीं है, ओवर ब्रिज है, थोड़ा लंबा सा है ऊपर। तो चल रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, सो इट फील्स गुड, अच्छा फील हो रहा है। और थोड़ा मूंग दाल खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एसी में प्राइवेट केबिन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लास्ट टाइम यहाँ पे 4 लोगों वाला मिल गया था, हमारे 2 लोगों के अलावा 2 लोग और थे, बड़े दिक्कत हुआ था। दिक्कत क्या, मतलब जब आदत हो जाएगा इस तरह के प्राइवेटली जाने का तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है, बट ठीक थे। और चलिए, बोर नहीं करेंगे, मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये मुंबई अमृतसर ट्रेन हम लोग को ओवरटेक करते हुए आगे जा रही है, मुंबई से चल के, सॉरी अमृतसर से चल के मुंबई की तरफ जाती है। और ये अच्छा ट्रेन है मुंबई जाने वाले लोगों के लिए। ये हम लोग चंद नगर हॉल्ट को पास करते हुए, बाईपास कहेंगे इसको, पास कर रहे हैं, रुका नहीं ट्रेन। और एक्चुअली ये स्टेशन से हट के थोड़ा सा साइड से निकला है, मेन स्टेशन पे नहीं गया है, चंद्रनगर हॉल्ट। और ये मालगाड़ी का के साथ क्रॉस कर रहा है हमारा ट्रेन। मुंबई गोल्डन टेंपल मेल है, ये गोल्डन टेंपल मेल, ये मुंबई से अमृतसर के लिए। ये ट्रेन थोड़ी स्लो हो गई, हम लोग से आगे निकल गई थी, बट फिर हमारी ट्रेन ने इसे टेक ओवर कर लिया है। लगभग पैरेलल क्रॉस ओवर हो रहा है, पैरेलल हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा ट्रेन बाजी मारता है। अभी के अनुसार तो गोल्डन टेंपल मेल ही आगे निकलते हुए दिख रहा है, हमारा ट्रेन स्लो हो चुका है। तो लेट्स सी, वो ट्रेन भी स्लो हुई थी बट स्पीड पकड़ ली है, दोनों लगभग इक्वल स्पीड पे जा रही है, कोई किसी को अभी आगे नहीं निकल पा रहा है, कहना मुश्किल है। और ये अभी के अनुसार देखते हुए लगता है हमारी ट्रेन यहाँ पे बाजी मार रही है, वो दूसरे रूट में निकल चुकी है, हमारा ट्रेन दूसरा रूट ही चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी गोल्डन टेम्पल मेल का इंजन यहाँ पे, यहीं पे इंजन है, आ गया दूसरा ट्रेन आ गया। इस ट्रेन का नाम है लाहौर, ये कौन सा ट्रेन है ये पढ़ पाना मुश्किल है,
जो भी ट्रेन हो इसके बारे में हम बताएंगे। हाँ ये तो पता नहीं चला, काफ़ी स्पीड में ट्रेन थी तो पता नहीं चल पाया, ये ट्रेन लेट चल रही है तो अभी क्या करना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ एक्चुअली थोड़ा थक गया हूँ इसलिए थोड़ा मेरा आवाज़ में थोड़ा सा, अभी सुबह का जगा हुआ, 5:30 बजे के करीब का जगा हुआ था, और तो यही सुबह 5 बजे का जगा हुआ था तो थक गया हूँ, आवाज़ में थोड़ा सा नरमाहट है, तो खैर कोई बात नहीं, द शो मस्ट गो ऑन, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, ये गोल्डन टेम्पल मेल फाइनली हमारे तरफ, इसी हमारे तरफ से फिर से गुजर रही है और ये बाजी मार रही है, आगे निकल रही है, हमारी ट्रेन को स्लो कर दिया गया, इसको शायद पास कराना होगा। चलिए अब ये हमारी ट्रेन लेट सी लेट खुली है तो शायद लेट होते ही जाएगी। नहीं वो आगे जा रही है, हम लोग उधर ही जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और अभी तक गोल्डन टेम्पल में मतलब हम लोग को छोड़ती हुई यहाँ से, और हम लोग साहिबाबाद स्टेशन पहुँच गए हैं, यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे ट्रेन ना रुके, रुकेगी भी नहीं लग रहा है, बट लग रहा है रुक जाएगी, काफ़ी स्लो है। अब यही दिक्कत होता है ना, ट्रेन जब लेट हो जाती है तो उसको ऐसे ऐसे स्टॉप्स पे रोका जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है, ये हिसार से नई दिल्ली, हिसार भिवानी नई दिल्ली, हिसार हरियाणा थी, तो लगभग लोकल ट्रेन जैसा फील हो रहा है मुझे, ये लोकल ट्रेन है कोई, कौन सा ट्रेन, हिसार रोहतक नई दिल्ली, हाँ ये लोकल पैसेंजर ट्रेन लग रही है, साहिबाबाद स्टेशन में पता नहीं रुके ना रुके, 3:44 हो चुका है अभी समय, मतलब 4:15 हो रहा है शाम का, स्टेशन ऑलमोस्ट खाली है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई ख़ास ट्रेन का स्टॉपेज होता नहीं है तो यहाँ पे क्यों ही लोग रहेंगे, भीड़ क्यों होगा। लेकिन पहली बार दिख रहा है इतना शांत स्टेशन, यहाँ पर लगभग एक गिन के 2-3 लोग हमको दिखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेन रुक रही है और इतना सुनसान स्टेशन मैंने कभी नहीं देखा था, काफ़ी सुनसान है, हॉरर फिल्मों का शूटिंग अच्छा हो सकता है यहाँ पे। देखिए ओवर ब्रिज पे भी कोई लोग नहीं है, कोई लोग नहीं है वहाँ फुट ओवर ब्रिज पे, तो प्रॉब्लम क्या है आई डोंट नो, इतना शांत कैसे हो सकता है, मतलब फुट ओवर ब्रिज एकदम खाली, स्टेशन एकदम खाली, कोई भी नहीं है, ऐसा स्टेशन आपने कभी देखा था क्या, और ये पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो फाइनली एक आदमी यहाँ में नज़र आते हुए, साहिबाबाद स्टेशन, और यहाँ स्टॉपेज नहीं बट हमारी ट्रेन रुक चुकी है यहाँ पे। हेलो गाइज, अब हम लोग यहाँ मुरादाबाद स्टेशन पहुँच गए हैं, ये मुरादाबाद स्टेशन है, तो गाड़ी थोड़ा आधा घंटे यहाँ लेट पहुँची है, टाइम था 5:30 बजे का, लगभग 6 बज चुका है अभी, 6 बजे देखिए 6 बज चुका है, 6 बज रहा है, तो ठीक है 40 मिनट लेट थी ट्रेन शुरू में ही, तो 10 मिनट तो मेकअप कर लिया है, इसको 40 मिनट लेट पहुंचना चाहिए था, मात 30 मिनट लेट है, तो ठीक है इट्स ओके नाइस। अब देखते हैं कुछ खाने वाने के लिए हम मिल जाए स्टेशन पर, हालांकि आज इसमें भी काफ़ी कुछ आ रहा है, बट मुझे अंडा बिरयानी खाने का मन है, तो होप कि यहाँ 8 मिनट के स्टॉपेज है, उम्मीद करते हैं कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर रात में ना देगा, अभी बाहर से जाके देखते हैं, बाहर मिल जाए तो ठीक रहेगा। इस ट्रेन में पेंट्री कार है तो हो सके रात में, मैंने पूछा है तो रात में तो अंडा बिरयानी सर्व करेंगे, इसको लेना हुआ ले सकते हैं, लेकिन मुझे अभी रात में तो हम लोग खाना घर से बना के लाए हैं, तो अभी यहाँ पे यहाँ मिल जाए, बट यहाँ भी मुझे मुश्किल लग रहा है, कुछ तो अभी तक दिखा नहीं ऐसा कुछ कि रेडीमेड फूड
मैं तो सारे दिख रहे हैं, मतलब कुक्ड फूड का कुछ स्टॉल दिख नहीं रहा हमको। तो अभी तक तो नहीं दिखा। और ये स्टेशन का आखिरी एंड का, हम लोग इंजन के पास में, हमारा बोगी है डब्बा जो है इंजन के पास है, तो इसके पास अभी तक तो नहीं दिखा कोई भी। स्टेशन एंड हो रहा है लगभग, और अभी तक कुक्ड फूड का कोई भी स्टॉल मुझे नहीं दिख रहा है। सब समोसा है, यही सब दिख रहा है। बट चलिए, ये भाई साहब लोग ट्रेन लेट हो रहा है, दौड़ रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। चलिए, स्टेशन एंड हो गया, अब कुछ भी नहीं है, अगला स्टॉप कानपुर होगा। चलिए, तक ट्रेन के पेंट्री कार से ही मतलब जो आए खाना होगा। यहाँ पे भी लास्ट स्टॉल दिख रहा है, बट यहाँ पर भी मुझे लग नहीं रहा है कुछ ऐसा है। हाँ, कुछ तो दिख रहा है, बट मैगी वगैरह दिख रहा है। चलिए चल के देखते हैं। आप ये बंदे से बोलते हैं, देखते हैं पूछते हैं अंडा बिरयानी वगैरह है या नहीं। भैया अंडा बिरयानी मिल जाएगा? फोन पे है भैया, फोन पे। हेलो भैया, फोन पे। तो यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर में है, और कोई अंडा बिरयानी जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। पूरी पूरी सब्जी सब है। क्या किया जाए? चलिए ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे उतर के तो देख लिए, कहीं कुछ नहीं, थोड़ा आगे चल के देखते हैं, बट वहाँ पर भी कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं वापस ट्रेन। तो स्टेशन के बाहर से भी देख करके आगे पूरी सब्जी है, छोले चावल हैं, और अंडा बिरयानी नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, मुरादाबाद से स्टेशन पे 8 मिनट के स्टॉपेज, 8 मिनट के बाद यहाँ से ट्रेन निकलेगी। अगला स्टॉपेज सीधे रात, हाँ 11 बजे, 11:15 के करीब में लखनऊ ट्रेन पहुँचेगी, 11:15 के करीब में। चलिए मिलते हैं, वैसे बीच में मिलते रहेंगे। अभी तो 11 बजने बहुत टाइम है, अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए मिलते हैं। सो हेलो गाइज, हम लोग यहाँ इस ब्लॉग का एंड करेंगे, क्योंकि अब ये ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, 18 मिनट प्लस का हो चुका है। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए चलिए, टाटा बाय, सब्बा खैर, शुभरात्रि, प्रणाम, नमस्ते, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय हिंद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।